जो मशीनरीज जो हैं एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है। इससे पहले हिंदुस्तान में ऐसे मशीनरीज जर्मनी और इटाली से मंगा के बनाते थे, तो आज वो टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है। तो व्हाट द प्रोडक्ट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस मशीन इज इक्विवेलेंट टू द दैट मशीन प्रोडक्ट्स। सो इसमें वैरायटीज ऑफ वर्सेटाइल मशीन है, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं इसका अंदर। इसके अंदर सॉलिड ब्लॉक बना सकते हैं, हॉलो ब्लॉक्स बना सकते हैं अलग अलग साइज का, और फ्लाई ऐश ब्रिक्स बना सकते हैं, और तीसरा पेवर ब्लॉक्स मेन, वो जो पेट्रोल पंप पे डालते हैं उसको M50 स्ट्रेंथ जो होना है ऐसा पेवर ब्लॉक्स वो इसमें बना सकते हैं। हाँ, पार्किंग्स पे यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पे डाल सकते हैं, फुटपाथ पे डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। इसका स्ट्रेंथ ISI स्टैंडर्ड को क्वालिफाई होता है इसका प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट में कम लोग को इस्तेमाल करके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालना है इसका अंदर। इसका जो स्ट्रेंथ अचीव होता है वो मैक्सिमम होता है, जो IS स्टैंडर्ड पूछता है, ISO स्टैंडर्ड पूछता है उसके हिसाब से। अभी पेवर ब्लॉक को M50 का स्ट्रेंथ चाहिए, वो M50 का स्ट्रेंथ आराम से अचीव करता है इसके अंदर। ये जो मशीन है एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है, मतलब पहले ऐसे मशीनरीज विदेशों में बनते थे, आज हिंदुस्तान में भी बनते हैं। इसका जो आउटकम प्रोडक्ट होता है, ये आउटकम प्रोडक्ट वो मशीनरीज का प्रोडक्ट इक्विवेलेंट होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बड़ी और खुशी और मसरत की बात है कि आज सभा ब्लॉक इंडस्ट्रीज की इफ्तिताह अमल में आई, जिसमें नॉर्थ कंसल्टेंसी से जनाब कनीज फातिमा साहिबा तशरीफ़ लाई थी, और गुलबर्गा के पूरे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, और हमारे साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट मुलगे साहब, जो सभा ग्रुप का एक बेहतरीन गुलबर्गा के लिए आज जो है एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं गुलबर्गा के लिए, जिसमें आपको जो बेंगलुरु में दस्तियाब थे, जो बॉम्बे में दस्तियाब थे, जो ब्लॉक्स हैं जैसे जो है पार्किंग टाइल्स हैं, और भी जो है इसमें मजीद जो है वैरायटीज़ इसकी हैं जो गुलबर्गा में जो है पहली टाइम ये आई हुई है, और ये सेड़म रोड पे इसकी इंडस्ट्री है सभा इंडस्ट्री। और मैं दिल की गहराइयों से जो है हमारे अनवर मियाँ को और सभा ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इवत तो यह सभा कंस्ट्रक्शन कार्यक्रम के यारू बंदे हेगैत नम मुर्गीवर सविस्तर अरे केवल वंदे वोतनी नम सभा कंस्ट्रक्षन ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮದು ಅನ್ವರ್ ಮೇ ಅವರು ಭಾಳ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಂದು ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ।
ಇದಿವತ್ತು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬಹುದು ಇದು ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ತನ ಹೋಗ ಮುಟ್ಟಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಇದು ಬರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಇಂದ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಇವತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದೇ ತರ ಏನದ ಇದಕ್ಕನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಕಲಿತಂತ ಐಟಿಐ ಎಲ್ಲ ಓದಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಓದಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತರೋ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಇವರು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ। सभा ग्रुप को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि गुलबर्गा शहर में बिजनेस के पे नंबर वन पर है। जहाँ तक मैं समझता हूँ क्रेशर का मामला हो या सीमेंट कंक्रीट का मामला हो या रोड कॉन्ट्रैक्टर हो, अनवर शेख का नाम बिजनेसमैन में ऊपर दर्जे पे आता है। और आज का ये जो ब्रिक्स ओपनिंग हो गया सभा क्रेशर का, अनवर शेख को और उनकी तमाम खानदान को और उनके ग्रुप को मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से। और आगे भी चल के अनवर शेठ ऐसा ही रोज़गार पैदा करेंगे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर जो ब्रिक्स का आज ओपनिंग हो गया कारखाना, ये मैं समझता हूँ और 100-150 लोग को रोज़गार पैदा किया है। कोरोना पैंडमिक के इसमें रोज़गार सभी का जा रहा है, यहाँ पर रोज़गार पैदा कर रहे हैं अनवर शेठ। आज अनवर मियाँ जो यहाँ पे सभा क्रेशर के जो MD हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी पूरी फैमिली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज पूरे गुलबर्गा शहर में अनवर मियाँ कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरा गुलबर्गा जानता है। जब भी क्रेशर की बात आती है तो सभा क्रेशर की बात आती है। आज गुलबर्गा वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, अनवर मियाँ ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक अचीवमेंट लाए हैं सॉलिड आलू ब्लॉक का। मैं उनके पूरे फैमिलीज़ को दिल की गहराइयों से और एक बार भी मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ तमाम गुलबर्गे वालों को ये खुश होना चाहिए। जब भी जहाँ भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, अगर कोई क्रेशर की बात आती है तो सबसे पहले सभा क्रेशर का नाम आता है। इसलिए आता है क्योंकि वो शुरू से लेकर अब तक भी क्वालिटी को मेंटेन किए हैं। तो इसीलिए ये ब्लॉग में अल्लाह से जो है ना ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में गुलबर्गे वालों को बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ से आकर लेकर जाएंगे। ಏನು ಅನಿವನಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು, ಇದು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ। ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ। ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇವರ್ಸ್ ಇವೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು, ಇದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಪೇವರ್ಸ್ ಇವೆ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇವರ್ಸು। ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೈಜ್ ಬ್ರಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ। ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕರ್ವ್ ನೀವು ಕ್ಯಾನೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು। ಇದು ಇವತ್ತಿದು ಸಭಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ 600 ಬ್ಲಾಕ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 6000 ಬ್ಲಾಕ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ। ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 6000 ಬ್ಲಾಕ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ। ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಒಕ್ಕಾಡಿದ್ರು
ಅದು ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ರೀತಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಭಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತುಹು आज हम यहाँ सभा ब्लॉक इंडस्ट्री की ओपनिंग के लिए आए हैं। अनवर भाई का ये जो क्रशर वगैरह है यहाँ पे, ये ब्लॉक्स का भी नया प्रोजेक्ट है उनका नया। मैं अनवर भाई को और अनवर भाई की फैमिली को दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ और मेरी दुआ है कि अनवर भाई और तरक्की करें। अनवर भाई के घर वालों से भी मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। अनवर भाई की बहनें हैं, अनवर भाई की लड़कियाँ, अनवर भाई के वाइफ है, सबसे मेरी अच्छी जान पहचान है। तो मैं सारे घर वालों को दिली मुबारकबाद पेश करूँ। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के आवाम से अपील करती हूँ कि आप लोग यहाँ आएँ, अपने जो भी आपकी ज़रूरत है हॉलो ब्लॉक्स के लिए यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। शुक्रिया। पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आज का दिन जो था सभा ब्लॉक्स इंडस्ट्री का इफ्तिताह हुआ और मैं सभी मेरे गेस्ट, चीफ गेस्ट, जितने भी हैं MLA, सबका शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे भाई लोग और जितने भी हमारे ख़ानदान के लोग हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। सभा ब्लॉक इंडस्ट्री में ये ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग है और बोले तो पेवर्स मैन्युफैक्चरिंग है और बोले तो कर्व स्टोन है और ये क्या है, M50 स्ट्रेंथ का टोटल ये है इसमें और टॉप क्वालिटी का एकदम यहाँ पर वो ये मैन्युफैक्चरर है। ब्लॉक्स जो भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स वगैरह वो ये, तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार सभा ब्लॉक इंडस्ट्री को विज़िट करें।